हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। तो आज घर में बनी है खीर। ये है चावल की खीर जो सभी को पसंद होता है। स्पेशली मेरे घर में मेरी बेटी को ना ये खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे सेवइयाँ बनती है ना, उससे ज़्यादा ये वाली खीर वो पसंद करती है। तो न्याज के तौर पे भी मैं इसे बनाती हूँ, चाहे ग्यारहवीं शरीफ हो या फिर ऐसे ही अक्सर थर्सडे को मैं इसे तैयार करती हूँ। तो बहुत आसानी से बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि एक कप यानी चाय वाला जो कप होता है छोटा, वो मैंने एक कप चावल ले लिया था। बासमती राइस लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसे दो घंटे के लिए भिगो दे, उस स्टैनर पे रख के इसे सारा पानी को ड्राई कर ले और एक कपड़े पे रख कर उसे पंखे के नीचे सुखा दे। देखिए इस तरह से एकदम से ड्राई हो जाना चाहिए। एक घंटे के लिए आप पंखे के नीचे रखेंगे ना तो इस तरह से एकदम ड्राई हो जाएगा। तो बस हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। देखिए बिल्कुल आसानी से ईजिली ये टूट रहा है। तो बस ऐसा कर ले। और ऐसा करने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे। तो एक मिक्सी जार लेंगे और जार में इसमें सारे चावल हम डाल देंगे और इसे पल्स मोल्ड पर अच्छे से पीस लेंगे। यानी इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। चावल को ना हमें दरदरा सा पीस लेना है, यानी कि दाने जो है इस तरह से छोटे हो जाएंगे। ये देखिए दरदरा सा पीस चुका है। तो अब हम रखते हैं इसे साइड पे। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक मैंने हैवी बॉटम का बर्तन रख लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि जो दूध होता है ना वो तले में चिपके नहीं। तो यहाँ पे तकरीबन एक लीटर दूध मैंने ले लिया है एक कप चावल के हिसाब से। अगर आप चावल की क्वांटिटी और कम करना चाहते हैं ना तो और भी कम कर सकते हैं, यानी कि रबड़ी वाली आप खीर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दूध में एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम एकदम मीडियम कर ले और जो हमने चावल को ग्राइंड करके रखे थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद अब हमें अच्छे से इसे कुक करना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है जब तक चावल और जो दूध है ना वो थिक ना हो जाए और चावल भी 100% तक कुक ना हो जाए। ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दें। आप जब तक ये पक रहा है ना आप दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बादाम होते हैं ना मैंने गर्म पानी में इस तरह से भिगो के रख लिए। तो इसके ऊपरी छिलकों को मैं निकाल लूँगी और ड्राई फ्रूट को कट कर लूँगी। तब तक जो खीर है ना वो भी पक कर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर ले। बीच में लगातार आप इसे चलाते भी रहे, कहीं ये ना हो कि जो चावल है ना वो तले में चिपक ना जाए। अब यहाँ पे देखिए जो चावल है ना वो 100% तक बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब स्टेज पे क्या करेंगे, इसे रख देंगे साइड पे और हम इसका तड़का लगा देंगे। तो ड्राई फ्रूट का हम तड़का लगाएंगे। तो गैस पे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन रख लिया है और इसके अंदर डाल देंगे देसी घी। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके अंदर काजू और बादाम बारीक चॉप करके डाल देंगे और इसे अच्छे से इसमें कुक कर लेंगे। और इसके अंदर जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन चिरौंजी और किशमिश आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। वैसे चिरौंजी बिना ना खीर अच्छी भी नहीं लगती। और इसमें अच्छे से हमें कुक करना है। और लास्ट में यहाँ पे मैं नारियल का बुरादा भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि वो भी घी में अच्छे से भून जाए। और ड्राई फ्रूट जो है ना इस तरह से घी में जब भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है ड्राई फ्रूट के साथ घी का, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना भुने आप मत इसमें ऐड कीजिएगा। तो बस गैस की फ्लेम मैंने बंद की और अब हम इसमें खीर में पूरा ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे। और डालने के बाद बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए सारी चीज़ें तो हमने डाल दी है, अब लास्ट में बारी आती है इसको मीठा कैसे करें। तो जब चावल अच्छे से कुक हो जाए, जब ड्राई फ्रूट का हम तड़का दे दें ना, तो लास्ट में हमें इसमें चीनी को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पीस कर ऐड किया है और चीनी के साथ साथ मैंने 2 मीडियम साइज की इलायची और 1 छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का साथ में चीन में पीस लिया था। ऐसे करने से ना जो इलायची होती है ना वो बहुत अच्छे से पीस जाती है। अगर आपके पास अलग से इलायची पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर ले और चीनी ऐड कर ले। तो यहाँ पे तकरीबन 5 बड़े चम्मच मैंने चीनी ऐड किया था। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से, या फिर जब दूध ठीक हो जाए ना तब आप इसे भी अंदाज़ा लगा कर आप चीनी को ऐड कर सकते हैं। तो बस अच्छे से इसे कुक होने देंगे और 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दें। और जैसे ही हम चीनी ऐड करेंगे ना तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी खीर, क्योंकि जो चीनी है वो पानी को रिलीज़ करेगी। तो इसे हमें ढककर कुक करेंगे, लेकिन प्रॉपर हमें नहीं ढकना, बस थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 100% तक हमारी जो खीर है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। वैसे खीर बनाने का बहुत ही अपने अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, और अगर आपको कैरेमलाइज खीर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, उसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर से शेयर करूँगी। वो भी खीर ना बहुत ही अच्छी बनती है, सिर्फ रंग उसका अलग से चेंज हो जाता है और थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी चावल की खीर या फिर फिरनी, जो भी आप इसे कहते हो, बहुत ही लाजवाब बनती है। और ऐसे बनाने से क्या होता है कि दूध और जो चावल है वो अलग नहीं रहते, एक साथ इसका कॉम्बिनेशन चलता है। और अगर नॉर्मल हम चावल को इस तरह से कुक करके बनाते हैं ना, तो दूध हम डालते ही जाते हैं लेकिन उसका पता ही नहीं चलता और ये थिक होता चला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे इसे बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी चावल की खीर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप पहली बार इसे विजिट कर रहे हैं ना चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।